तो so, फुटबॉल के जगत ने हमें प्रस्तुत किया है कि ऐसे कोच को जो कि करंट फुटबॉल में वांटेड लिस्ट पर है ये yes, बिल्कुल मैं बात कर रहा हूं यहां पे स्पोर्टिंग लिस्बन के मैनेजर रूबिन आमोरम के बारे में काफी बेहतरीन पोर्टुग मैनेजर काफी यंग है बाय द वे एंड ही इज ऑन दी वांटेड लिस्ट ऑफ अ लॉट ऑफ टॉप यूरोपियन क्लब्स लिवरपूल इंक्लूडेड बार्सिलोना इंक्लूडेड एज वेल एंड भाई साहब लड़ाइयां होने वाले हैं यहां के बीच में बिकॉज जब आप ये वीडियो पूरा देख लोगे ना इस वीडियो के एंड पे बारसा फैंस और लिवरपूल फैंस पे लड़ने वाले हैं कि नहीं ये मैनेजर मेरा होगा मेरा 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 ऐसे होगा बिकॉज भाई ही इज दैट गुड

तो वो बैक बन जा रहे थे तो विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट के लिए पूल में बंदा फिट कैसे होगा कहाँ होगा वो तो बात की बात है बट अभी क्यों मैं इसको लिवोपूल से लिंक कर रहा हूँ एक सिंपल सी बात है भाई देखो जाबे वालों तो आने रहे मेरी बात ये सुनना जो क्लॉप ने इस टीम पे कर दिया है ना इनको एक प्रोजेक्ट मिला था स्टार्टिंग में और ये सात आठ साल का लंबा प्रोजेक्ट क्लॉप ने यहाँ पे लिवरपूल को दे रखा है तो मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट जो भी मैनेजर आएगा ना इट्स नॉट गोना बी अ मैनेजर फॉर द नेक्स्ट वन ईयर और टू ईयर स्टॉप गैप सोलूशन यहाँ पे लिवरपूल नहीं ढूंढेगी और क्योंकि इनको इतना अच्छा लंबा समय मिल चुका है ना कि अपना नेक्स्ट मैनेजर ढूंढने के लिए दे वुड ऑलवेज वॉन्ट टू गो फॉर अ मैनेजर जो कि इनको लंबा एक प्रोजेक्ट गारंटी करेगा अब क्योंकि बार लेवर क्वेश्चन इज नॉट अलाउंग जाबी टू गो एंड जाबी भी वहाँ पर रुकना चाहता है तो जाबी तो नहीं ज्वाइन कर पाएंगे अगर वो अभी करेंगे तो वो अगले चार पांच साल तक नहीं करेंगे एवरीथिंग गोज राइट फॉर लिवरपूल तो अब लिवरपूल को चाहिए ऐसा मैनेजर जो कि एक प्रोजेक्ट को रन कर पाए एंड गाइस आप भी बताओ मतलब जब क्लॉप आए थे यहां पे पे, तो उन्होंने क्या किया था उन्होंने, उन्होंने पोर्टुग तो लीग लोग नहीं देखते मैं भी इतना नहीं देखता मुझे काफी रिसर्च करना पड़ा यहां पे इस वीडियो को बनाने के लिए बट दिस इसने तुम ये सोचो उन्नीस साल से दो टीम्स का डोमिनेशन है और पोर्टो अब उन दोनों का डोमिनेशन ब्रेक करके बंदे ने पहले सीजन में इनको लीग जीता

मोर्टन के साथ एंड राइट हैंड साइड पे इस गायो सांतोस पॉलिनो मार्कस एडवर्ड जो स्पोर्स के प्लेयर है एंड अब टॉप विक्टर गायकोरश अब इसको उन्होंने साइन किया कोवेंट्री सिटी से जब यहाँ पे बंदा चैंपियनशिप में बथेरे गोल मारा था 20 मिलियन पाउंड्स देकर भाई भाई बड़ा अमाउंट होता है भाई पोर्तुगीज क्लब्स के लिए बड़ा अमाउंट है तो यहाँ पे एक रिस्क ऑब्वियसली कि यार हम सलीरेश जैसे प्लेयर को यहां पे लाने वाले हैं अब भाई ये बंदा फेल हो जाता है जो भी प्लेयर्स कोई फ्रांस को इन्होंने लाया, भी भी इनके टीम में और भाई बंदा बथेरे गोल रहा है और भाई पेद्रो तुम बात करोगे मिडफील्ड से ही गोल्स सेवन लाइक दैट तो कन्वर्जन बहुत अच्छा है इसके बाद इसके पास बेंच पर भी काफी अच्छे प्लेयर्स होते हैं तो हम जस्ट सेम की इनकी टीम का जो बैलेंस है ना बहुत प्यारा है तो सिस्टम क्या है थ्री

गायकुरेश से सिमिलर है आप देख सकते हो यहां, पे, यहां पे कि इसके जो टचेज है सेंट्री है, है, है जोन 14 में नौ परसेंट ऑन द वाइड का रेप्लीकेट करता है स्टाइल की बात करें तो ही इज नॉट दैट कार्लो एंड ऑफ मैनेजर की बहुत एग्रेसिव हैवी मेटल फुटबॉल खेलेगा एंड क्लॉप यूजअली उनका स्टाइल क्या होता है बॉल एंड वर्क विद हीस द टीम टू बिल्ड विद स्लो इंट्रीकेट पास ये ग्राफ देख सकते हो पास पर सीक्वेंस इनका देखो कितना हाई होता है एंड आप देख सकते हो डायरेक्ट स्पीड कम है मतलब एवरेज से कम है बट दैट डजंट मीन कि इसकी टीम में वर्टिकलिटी नहीं होती है इट ऑलवेज इज मेड श्योर कि भाई टीम पहले तो भाई कॉम्पैक्ट रहे जैसे कि हम जानते हैं कार्लो एनचरोटी के फुटबॉल में कि उसको पसंद है कि प्लेयर्स वाइड अपार्ट रहे सो दैट वो लॉन्ग पासस करें बिकॉज़ कि टीम में वैसे

मिड बॉक्स बनता है इनका ताकि उनको एक सुप्रियोरिटी मिले तो आप यहां पे देख सकते हो बैक थ्री एकदम सेटल्ड है मिड टू दो जो इनके डिफेंसिव uh, मिडफील्डर्स होते हैं ये ऑफन स्टार्गर्ड होते हैं मैं भी समझाऊंगा इससे इनको फायदा क्या मिलता है बट अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे स्टार्गर्ड है और टू नंबर एट्स आप कह सकते हो एंड बाकी वाइड इनके विंग बैक्स विंग बैग्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी टीम में बिकॉज जो नेचुरल विथ होती है विंगर्स के बजाय इनको नेचुरल विथ देते हैं और जो विंगर्स होते हैं ना वो इनके टकिन होते हैं अब एक बहुत ही अच्छी चीज यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि And their other -back है पे, और भाई जो भी प्लेयर्स है वो बस गोलकीपर को प्ले में इन्वॉल्व करेंगे बाकी दो जो मिडफील्डर्स होते हैं इनके दे नॉक द बॉल ऑफ एंड यहां पर यह खेलते समझाता हूं बाउंस पास या वॉल पास क्या होता है देखो बेसिकली इट इज

तो वन टू खेलते हैं ये अपने अलग अलग डिफेंस में और भाई एक ना एक बंदा गोंजालो इनाशियो हो या उस्मान डायमंड हो ये बंदे बॉल को लेके प्रोग्रेसिव कैरी करते हैं अनटिल द टाइम दे कैन रिलीज द फाइनल बॉल तो यहाँ पे अगेन एक सिंपल सिनेरियो जहाँ पे आप देख सकते हो एक बॉल यहाँ पे निकली है लेफ्ट हैंड साइड विंग बैक को एंड वॉट हैपन्स इस अब यहाँ पे एक ट्रिक है ये जो बंदा इनका जो फुल बैक है ही कांट जंप ऑन हिम अगर वो इस पर जंप करेगा तो भाई वो उसने इस बंदे को खाली छोड़ दिया क्योंकि भाई अगर इसने जंप कर दिया इनके विंग बैक पे तो दिस गाय कैन रन इन बिहाइंड रिंका रन मार सकता है दैट मीन्स कि सेंटर बैक को ट्रैक करना होगा और जिसका मतलब होता है भाई हो so यहां पे गाय को रश खाली हो गए तो यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है बिटवीन द कॉम्बिनेशन ऑफ द विंग बैक एंड द विंगर एंड ऑफन इसी तरीके से यहाँ पे अटैक करती है स्पोर्टिंग सी पी ऑफन देखोगे ना थर्ड मैन रन ऑफ द इंटीरियर इन बिहाइंड द डिफेंस वो मारते हैं अक्सर वो उनके डीएम्स को खींच ले आते हैं बिकॉज

वन टच पास वो खेलेंगे

आउट द प्लेयर्स एंड ये बंदा भी इस गायो भी ये बंदा सेम चीज करता है तो ये फ्रंट फाइव इनकी बन जाती है जहां पे ये बिटवीन द लाइंस चैनल्स को हिट करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से एंड दो तीन बंदे ऑफ जोन फोर्टीन एरिया में रहते हैं ताकि भाई अगर बॉल रेगोशे होकर मिली इनको तो दिल बरी दाट और एक चीज मैंने नोटिस की दे डोंट शाय अवे फ्रॉम टेकिंग शॉट्स

काफी इंटेंस प्रेसिंग होती है शॉर्ट पासिस खेलते हैं बिकॉज ये डिस्टेंस प्लेयर्स के बीच में कम कर देते हैं जैसे कि पासिस को ट्रैवल करने में टाइम कम लगता है अटैक थ्रू द मिडल इनका होता है फाइनल थर्ड में ये अटैक करते हैं हाफ स्पेसेस को इनके जो विंग बैक्स हैं वो पिच को वाइड करते हैं और ट्रिंकाओ पॉलिन जैसे प्लेयर्स मार्कस एडवर्स जैसे प्लेयर्स हाफ स्पेस में अटैक करते हैं एंड वहां से इनका गेम बनता है काफी कॉम्पैक्ट और काफी रिजिड और सबसे अच्छी बात है ये बंदा पर्सनली प्लेयर्स से काफी ज्यादा रिलेट करता है एक यूनिटी बनाता है एक ग्रेट इन्वायरमेंट यहाँ पर होता है दे बिलीव इन दि इसीलिए मुझे लगता है कि ही वुड बी द बेस्ट सुटेड मैनेजर इफ नॉट जाब यो फॉर लिवरपूल एंड ऑल्सो ही कुड डू ग्रेट फॉर बार्सलोना सो गाइ दैट वॉज दैट आई डोंट नो मैंने आपको कन्विंस किया कि नहीं किया यहां तारीफ ही चल रही थी यहां पे रुबिन आमरम की बड़े यार मैंने इतना स्टडी किया तभी मैं बता पाता हूं अगर आपको भी लगता है तो मुझे कॉमेंट्स में जरूर से बताना हाउ डू यू लाइक दिस मैनेजर क्या ये लिवरपूल के लिए सुटेड है और एल्स यू हैव अदर ऑप्शन मैं तो भाई काफी कन्विंस हूँ इवन इफ बारसा वुड ब्रिंग इन आई वुड भी वेरी वेरी हैप्पी यस सो एक बंदा ऐसा है जो कि काफी प्रोजेक्ट्स ले चुका है बड़े बड़े और इन्होंने टीम्स को काफी डेवलप कर रखा है आई होप की ही वुड भी एबल टू डू द सेम फॉर दी अदर टीम्स एज वेल तो लिवपूल बॉर्स हु नोस बाई कहा बंदा जाएगा बट आई वैश एम गुड लक आप जरूर से बता ना आपको वीडियो कैसा लगा एनालिस कैसे लगा एंड बाय दास्ट चीज़ में जाते थे बता दूँ ये जो है टॉक फुटबॉल एच डी की मेसी मर्चेंडाइज ये अभी लाइव है हमारे डेडबीड वेबसाइट पर तो आप चेकआउट करिएगा काफी तगड़े तगड़े प्रोडक्ट्स है काफी अफोर्डेबल प्राइस पे आप लोगों को वहाँ पे जाके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे चेकआउट करेगा आपको अच्छे लगेंगे तो जरूर से परचेस करिएगा बेस्ट क्वालिटी भाई मेरा थप्पा है वहाँ पे स्टैम्प एकदम क्वालिटी की चिंता नहीं करनी है सो गाइस थैंक यू सो मच वाचिंग मैं मिलता हूँ आप लोगों से वेरी सुन तब तक टेक केयर एंड पीस आउट